दोस्तों, अगर आप भी सूर्य कुमार यादव को शानदार खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, टूटा भारत और सूर्या का नाता। खराब फॉर्म से परेशान सूर्या ने कर लिया देश छोड़ने का फैसला। विदेशी देश ने दिया है सूर्या को अपना कप्तान बनाने के साथ साथ करोड़ों रुपए का ऑफर। तो आखिर क्या है यह भारतीय फैंस के लिए दिलों को तोड़ देने वाली खबर? कौन से क्रिकेट नेशन ने सूर्या को बना लिया है अपना कप्तान? और आंखों में आंसू लिए क्या कुछ बताया है सूर्या ने इस ऑफर पर, सब कुछ हम आपको अपनी इस वीडियो में दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि सूर्या कुमार यादव और संजू सैमसंग में सबसे खतरनाक बल्लेबाज कौन है? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, एक समय पर भारतीय टीम के सबसे बड़े बल्लेबाज बन चुके सूर्य कुमार यादव मुसीबतों के दलदल में फंस चुके हैं। कुछ दिनों पहले जिस सूर्य कुमार यादव के नाम से विश्व का बड़े से बड़ा गेंदबाज भी थरथर कांपता था, उसी खिलाड़ी को हर तरफ केवल आलोचना और नफरत ही नसीब हो रही है, जिसका कारण है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लगातार 3 मैचों में 3 बार 0 पर आउट होना। जी हाँ, उनके नाम ऐसा शर्मनाक रिकॉर्ड हुआ है जिसे कोई भी इतनी आसानी से भुला नहीं पाएगा। इसके बाद तो सूर्य कुमार यादव के सपोर्ट की जगह केवल आलोचना और नफरत झेलनी पड़ रही है। यहाँ दोस्तों, उनके लिए स्टेडियम में आकर चीयर करने वाले फैंस से लेकर उनके साथी खिलाड़ियों ने भी उनका साथ छोड़ दिया है, जिससे सूर्या का कॉन्फिडेंस पूरे तरीके से गिर गया है। लोगों का ऐसा मानना है कि सूर्या जैसा बेकार खिलाड़ी भारतीय टीम के अनमोल हीरे संजू सैमसन की जगह बर्बाद कर रहा है। इसी कारण फैंस में गुस्से के साथ साथ नफरत भी भरी हुई थी, और यह सब वह एक साथ उन्होंने सूर्य पर निकालना शुरू कर दी और वह हर तरफ से केवल अंधकार में घिर गए। लेकिन दोस्तों, जब सूर्य के लिए कोई भी उम्मीद की किरण नजर नहीं आ रही थी, अपनों ने ही जब इस खिलाड़ी का साथ छोड़ दिया, तब एक विदेशी देश सूर्य कुमार यादव के लिए मसीहा बनकर आया। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, ऐसी खबरें सामने आई हैं कि नेपाल क्रिकेट ने सूर्य कुमार यादव को उनके देश के लिए खेलने का बेहद ही सुनहरा ऑफर भेजा है, जिसमें उन्हें करोड़ों रुपए के साथ साथ अपने देश का कप्तान बनाने का भी प्रस्ताव दिया है। जी हाँ दोस्तों, दरअसल नेपाल क्रिकेट का एक ऑफिशियल बयान जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने बताया है कि निश्चित तौर पर सूर्या जैसे खिलाड़ी को सभी अपने साथ चाहते हैं। हम भी चाहते हैं कि वह हमारे देश में आकर खेले। हमें उनके जैसे खिलाड़ी और कप्तान की बहुत अधिक जरूरत है, जो हमारी टीम को दुनिया की बड़ी बड़ी टीमों की बराबरी में लाकर खड़ा कर सके। हम वादा करते हैं कि उनके साथ कोई भी दुर्व्यवहार नहीं किया जाएगा और उन्हें बहुत ही आदर और सम्मान दिया जाएगा। तो दोस्तों, सूर्य के पास एक बेहद ही सुनहरा मौका है नेपाल का कप्तान बनने का, और वह चाहे तो इस ऑफर को एक्सेप्ट भी कर सकते हैं। लेकिन इस ऑफर पर सूर्या ने जो कहा, उसे सुनकर आप भी इस खिलाड़ी की देशभक्ति को सलाम करेंगे। जी हाँ दोस्तों, सूर्या ने बताया कि सबसे पहले तो मैं उन्हें धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा, लेकिन मैं उनके ऑफर को अपना नहीं सकता। जिस दिन से मैंने अपने हाथ में बल्ला थामा है, मैंने हमेशा से अपने देश के लिए खेलना चाहा है। मुझे अपने देश पर गर्व है। हो सकता है कि अभी लोग मुझे नाराज हों, लेकिन मैं कभी भी अपने देश को धोखा नहीं दे सकता हूँ। मैं भारतीय हूँ और हमेशा भारत के लिए खेलूंगा। यहाँ दोस्तों, लगातार मिल रही नफरत के बावजूद सूर्या ने जो कुछ भी कहा, उसने लोगों को एक बार फिर से इस खिलाड़ी का फैन बना दिया। लेकिन आपको क्या लगता है कि सूर्य कुमार यादव आईपीएल में शानदार परफॉर्मेंस देकर दोबारा टीम इंडिया में वापसी कर पाएंगे कि नहीं? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।